रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका भाई यदीन। आप देख रहे हैं पंजाबी चस्का फूड। आज हम बनाने जा रहे हैं जी एलोवेरा का साधन। इसमें अंडे भी डालेंगे, तो इसके फ्रेश फ्रेश जो पीस हैं वो मैं तोड़ लूँगा। तो ये हमारे छत पे लगी हुई है, एक बाल्टी के अंदर लगाई हुई है। इसका सालन बनाने का तरीका आपको बताते हैं जी। हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। इस तरह इसका गुद्दा निकाल लेंगे, इसके साइडों से छील के दूसरी साइड पे ऐसे उतार लेंगे। इसको फिर ऊपर से ऐसे उतारेंगे। एक चम्मच की मदद से ऐसे ऐसे इसका गुद्दा निकल आया। आप इसको प्याज बनाते हैं साथ, वो भी आपको दिखाते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कुआर गंदल और अंडे का सालन बन रहा जी। आयल गर्म होता है, फिर जी सटा प्याज। आयल तकरीबन नीम गर्म हो गया वे, इस प्याज सटे ने, प्याज नु जरा सोते होने तक पकावा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अपन टमाटर सटो से पहला, तो पानी की जरूरत ही नहीं है। अभी मसाले सटो से कर लीए, थोड़ी जी और पा लो है, थोड़ी कर लो, फिर थोड़ी कर लो। चलो चुटकी सारी हल्दी, हाफ टी स्पून धनिया, हसबे जरूरत नमक, नाल थोड़ा जहा पानी लावे तेन मसाला भुना। पानी लाने का मकसद है कि जो मसाला साड़ा सड़े ना, तो मसाला भुज भी जाए। रखमाने रही मसाला साड़ा भुज चुका है, कुआर गंदल वे सटा दे और इन अच्छी तरह भुना दे। सही है भुनाई करनी है ताकि कड़वाहट जी खत्म हो जाए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कुआर गंदल साड़ी माशाल्लाह अच्छी तरह भुन चुकी है। ये हूँ धनिया तो मिर्चा पा लगे, तो हूँ अंडे पाने की वारी आवन लगी। दो अंडे पा दिते और इन्हों अच्छी तरह से भुन लवेंगे। ऐसे अंडे सट्टे ने, हूँ इन्होंने जरा भुन लाँ दे ताकि अंडे स्मैल जरा थोड़ी जी खत्म हो जाए। तो इस दे विच असी जिहड़ा ना गर्म मसाला नहीं पाना है, क्योंकि कुआर गंदल भी गर्म है, अंडे भी गर्म ने, तो इस वास्ते जी ना वह चीज़ असी गर्म मसाला नहीं पा रहे हैं। बिस्मिल्ला जी माशाला तैयार हो चुकी, चूल्हा बंद कर दिता गया और इन्हें हूँ परेड च पाने। चलो पा लो, तुम पा लो पा लो पा लो। अच्छा जी माशाल्लाह जी सालन साडा कुआर गंदल एलोवेरा का तैयार हो चुका है। उम्मीद करते हैं वीडियो तुम्हें पसंद आए। मिलेंगे एक नई वीडियो के नाल, नए दिन के नाल, जिंदगी नफाक की फिर मुलाकात होगी। तब तक इजाजत दो जी, अल्लाह हाफिज़।